Hello students, welcome back in our channel. Let me start a new topic. आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और आई होप कि वो आपको अच्छा भी लगेगा. देखिए, ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सबको बहुत टफ लगती होगी, कैसे करें, बहुत वास्ट है, समझ नहीं आ रहा. तो यहाँ पर मैं आपको ऑर्गेनिक बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करके सिखाऊंगी, जिससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए. आप सभी जानते हैं कि क्लास ट्वेल्थ में जो आपका पार्ट टू है उसमें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी है, और उसमें जो चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है, वो है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो हेरीन्स. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं. आज का जो टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो हेरीन्स. सुनने में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी फील होना चाहिए, बिकॉज ऑफ रीजन कि ये जो हमारा ये टॉपिक है कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत डराता भी है, कैसे करें. तो मैंने क्या किया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस दोनों टॉपिक को मैं अलग अलग पार्ट में करके आपको पढ़ाऊंगी. इट मींस हेलो एल्केन्स हम अलग डिस्कस करेंगे और हेलो हेरीन्स हम अलग डिस्कस करेंगे. दोनों अलग पार्ट हैं भी, क्योंकि जो आपका हेलो एल्केन्स है वो आपके एलिफेटिक में आता है, यानी इसमें जितने भी ग्रुप होंगे ये सभी आपके एलिफेटिक्स में होंगे, और जो आपके हेलो एरीन्स है ये आपके एरोमेटिक ग्रुप में आते हैं. ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है, सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है. तो यहाँ पे तो मैंने आपको चैप्टर का नेम बता दिया, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, बट हम करेंगे क्या, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. पहले हम अपना एक टॉपिक कवर करेंगे, फिर हम अपना दूसरा टॉपिक कवर करेंगे. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. तो इस हेलो एरीन्स को मैं रब कर दे रही हूँ, और सिर्फ आपके सामने जो ये टॉपिक है वो है हेलो एल्केन्स. इज इट क्लियर. तो हेलो एल्केन्स, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये वर्ड क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं. देखिए, ये जो वर्ड है आपका हेलो एल्केन्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. आइए देखते हैं कैसे. अगर हम इस हेलो एल्केन्स को ब्रेक करते हैं तो हमें मिलता है दो नए वर्ड्स. एक है आपके हेलो, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, एक है आपका हेलो और दूसरा है आपका एल्केन. थोड़ा और मैं इसको डार्क कर दे रही हूं. अब दोनों वर्ड को हम अलग अलग समझते हैं कि हेलो क्या है और एल्केन क्या है. सबसे पहले आइए हेलो वर्ड पे हम अपना कंसंट्रेशन बनाते हैं. हेलो आपका जो वर्ड है ये पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल आप सभी ने पढ़ा है क्लास टेंथ में. पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको एक ग्रुप मिलता है, वो है आपका 17 ग्रुप. 17 ग्रुप में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर हेलोजेंस. आप इसे क्या बोलते हैं, हेलोजेंस. तो वहां से ये वर्ड हमने लिया है हेलो. लेकिन इस हेलोजन वर्ड में ये हेलो का मतलब क्या है, हाय हेलो वाला नहीं, ये हेलो का क्या मतलब है हम उसको समझते हैं. हेलो का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर, सॉल्ट फॉर्मर यानी सॉल्ट बनाने वाले. इट मींस इस ग्रुप में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, ये सभी बहुत ही इजिली से सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं. कौन कौन है इसमें, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है. एक तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और साथ ही साथ ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं. दैट इज द रीजन
इट इज कॉल्ड हैलोजन्स। हैलोजन्स का मतलब ही होता है सॉल्ट बनाने वाले एलिमेंट। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपके घर में टेबल सॉल्ट सभी यूज करते हैं और उसका फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं तो आप हमें आंसर करेंगे NaCl। NaCl, NaCl में आप देख रहे हैं एक जगह है सोडियम और एक जगह है क्लोरीन। तो क्लोरीन किस ग्रुप का हुआ? इसी 17 ग्रुप का हुआ। तो ये सोडियम के साथ मिलके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है जिसे हम सभी घरों में यूज करते हैं और आप इसे आसानी से देख भी सकते हैं। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड हैलो। तो आई होप कि आपको हैलो वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा और क्या मेन रीजन है यहाँ पर हमने हैलो लिया है। अब आइए उसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे जो हैलो है ये एल्केन के साथ ज्वाइन होगा। अब एल्केन क्या है तो थोड़ा सा आप बैक जाएंगे, क्लास 10th में ही भी आपने पढ़ा होगा कि एल्केन आपके जो है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और वो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला अगर आपको पता ही होगा फिर भी मैं बता दे रही हूँ, CnH2n+2, ये है आपके एल्केन और ये है इनका जनरल फॉर्मूला। एक एग्जांपल भी मैं आपको दे दूं तो सिंपल सा एग्जांपल है CH4। आप यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन जो है हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। अगर आप इसके दूसरे मेंबर इथेन को लेंगे तो वहां भी दोनों कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा क्या पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो आपके एल्केन्स हैं और ये हेलो के साथ जब जुड़ते हैं तब ये बनाते हैं हेलो एल्केन्स। अब दोनों वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, हेलो एल्केन्स यानी हेलो हैलोजन से लिया गया और एल्केन आपके एलिफेटिक ग्रुप है। तो इस तरीके से हमें जो वर्ड मिला है वो है आपका हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। मैं इसे रब कर रही हूं। तो यहां तो हमने आपको ये बताया कि एक्चुअल ये वर्ड है क्या, एक्चुअल में हेलो एल्केन्स कैसे बने हुए हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे एक चीज बता दी कि जो आपके एल्केन्स हैं वो सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेन, अगर आप इथेन का एग्जाम्पल लें तो ये मैंने आपके सामने इथेन बनाया है और आप देख रहे हैं कि ये इथेन जो है हर एक के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और यहाँ कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी है। तो अगर हमें किसी हैलोजन को यहाँ ऐड करना होगा तो क्या करना होगा? हमें एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव करना होगा, क्योंकि जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे कार्बन की वैलेंसी फ्री नहीं होगी और कार्बन की वैलेंसी अगर फ्री नहीं होगी तो वो बॉन्ड कैसे बनाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां से हमने एक माइनस का साइन लगाया हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने के लिए और साथ ही साथ हमने यहाँ पे कोई भी एक्स वाई जेड, हमने अभी एक्स लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, तो ये यहाँ पे जुड़ करके दिख रहा है आपको किस तरीके से हैलोजन ग्रुप आपके एल्केन ग्रुप के साथ जाके अटैच हुआ। उसने पहले एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया, कार्बन की वैलेंसी को फ्री कराया और देन वो जो है इससे अटैच हो गया। ठीक है, तो इट मींस अगर हम जनरल फॉर्मूला एल्केन का बनाएं तो आर एक्स, जनरल फॉर्मूला क्या है आपका? जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है यहाँ आर एक्स। अब आइए आर एक्स क्या है, तो यहाँ मैंने पहले ही आपको इसलिए स्टार्टिंग में ही डिटेल दे दी कि आर जो है आपके एल्किल ग्रुप है। ये जो आर हमने यहाँ लिया है दैट इज योर एल्किल ग्रुप, एल ग्रुप, और एक्स यहाँ पे क्या है? हैलोजन। तो ये इनका जनरल फॉर्मूला है और आप इस जनरल फॉर्मूले पे आसानी से कोई भी हैलोजन रख करके नया मेंबर बना सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। अब मैं इसे रब कर दे रही हूं।
हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है वो है आर एक्स। अब इस आर एक्स पे आइए एक एक करके हम ग्रुप बनाते हैं। आर एक्स, सपोज इस आर पे हमने रखा सी एच थ्री और एक्स की जगह रखा हमने सी एल, तो सी एच थ्री सी एल ये आपका क्या है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अब यहाँ ये क्लोरोमीथेन क्या है, तो क्लोरोमीथेन यहाँ पर आईयूपीएसी नेम है इस कंपाउंड का। यहाँ पर जो आईयूपीएसी नेम होगा वो होगा क्लोरोमीथेन। हम इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे कि कैसे हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं, सारी चीजें सीखेंगे वन बाय वन। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ हेलोएल्केन्स का, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कि कैसे हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के जो जनरल रूल हैं वो आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे कि किस तरीके से सबसे लंबी चेन को हम कंसीडर करते हैं, फिर पैरेंट चेन का नाम उसको देते हैं, किस तरफ से हम जो है काउंटिंग करते हैं, ये सारी बेसिक चीजें हैं। अगर आपको आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो हर एक एग्जाम्पल में मैं कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो अब हम आईयूपीएसी नेम सीखने जा रहे हैं हेलोएल्केन्स का, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल बनाया है यहाँ पे, सी एच थ्री सी एच टू सी एल, यहाँ पे ये आपके पास कंपाउंड है। अब आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है आईयूपीएसी। तो हमेशा याद रखिएगा जो लंबी चेन होती है उसको लेते हैं। तो यहाँ तो अभी मैंने सिंपल से स्टार्ट किया है, दो ही कार्बन लिया है और एक क्लोरीन लिया है। ठीक है, तो आप इसका सिंपल से अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट करेंगे जिधर आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो इस वाले कार्बन पे आप देख रहे हैं बिल्कुल अटैच नहीं है क्लोरीन, पर यहाँ पे अटैच है, तो जहां पे अटैच होगा वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरो, दो कार्बन है, एट सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्लोरोइथेन। हमेशा जब भी आप शुरू करिए सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करिए तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्लोरोइथेन से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि नंबरिंग हमेशा वहां से करते हैं जहां पे आपका फंक्शन ग्रुप अटैच है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब आइए थोड़ा बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम कई चीजें सीखेंगे। ठीक है ना, देखिए आपके पास यहाँ एक एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर आई होप कि आपको दिख रहा होगा। अब इसमें आपको इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, सबसे लंबी चेन कौन सी है, एक ही चेन है तो लंबे को आप आसानी से, लॉन्ग चेन को आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब बात आती है नंबरिंग की, नंबरिंग कहाँ से करें। तो आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि लेफ्ट और राइट में कहां पर क्लोरीन है, दिख रहा है आपको क्लोरीन यहां पर है। इट मींस हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। तो आइए काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सबसे लंबी चेन मिल गई 5 कार्बन की, और 5 कार्बन जहां होते हैं वहां पेरेंट चेन का नाम आप क्या लिखेंगे, पेंटेन। क्यों, क्योंकि यहां कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो और जो आपका क्लोरीन है वो कौन से कार्बन पे अटैच है, तो ध्यान से देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि दूसरे कार्बन पर क्लोरीन अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरो, कितने कार्बन है, 5, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ए। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या हुआ, 2-क्लोरो-पेंटेन। समझ में आ रहा है, देखिए एग्जाम्पल जितना आप करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ऑर्गेनिक
तो ऐसी चीज है कि जो सिर्फ एग्जाम्पल करते चलेंगे ये समझ में आती जाएगी। ठीक है, अब आइए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। CH3, CH, CH, CH2, CH2, CH3। आपके एनसीईआरटी में भी बहुत से एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चैप्टर जब शुरू कर रहे हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने, तो आपको हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से अटेम्प्ट करना है और उसकी उसका नॉमनक्लेचर आपको खुद से करना है। ठीक है, जब ये आ जाएगा तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चेन है और हमने यहाँ पर इस बार एक कुछ चेंज किया है। हमने चेंज ये किया है कि हमने दो हेलोजन अटैच कराए हैं। दिख रहा है आपको, एक तरफ क्या है क्लोरीन और एक तरफ क्या है आपका ब्रोमीन, यानी दो अलग अलग हैं लेकिन है हेलोजन ही। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका नॉमनक्लेचर कैसे करें, क्लोरीन भी है ब्रोमीन भी है, कैसे हम इसको आईयूपीएसी में लिखेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, मैंने कहा ना बहुत सिंपल तरीके से हम चलेंगे कि आपको हर जगह समझ में आए। सबसे पहले अब ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि काउंटिंग इधर से करें या इधर से। जाहिर सी बात है हम इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि जिधर से फंक्शनल ग्रुप हमें पास पड़ता है हम उधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैम हम इधर से करें तो इधर से आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इधर से करेंगे तो 1, 2, 3, 4 पे मिल रहा है आपको जो ब्रोमीन एटम है वो आपको किस पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है। लेकिन जब आप इधर से चलेंगे 1, 2 तो कौन सा ज्यादा पास हुआ, 2 वाला पास हुआ, तो हमने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से आपने लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर लिया। अब सेकेंड डाउट क्या है, अब सेकेंड डाउट है कि हम क्लोरीन को पहले प्रायोरिटी दें या ब्रोमीन को पहले प्रायोरिटी दें। तो सिंपल सी बात है, ABCD आप सभी को आती होगी, नर्सरी में पढ़ा होगा, मैं पढ़ाने नहीं जा रही हूँ आपको, मैं आई एम जस्ट आस्किंग कि आपको आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम यहाँ फॉलो करेंगे। आपने देखा कि हमारी जो चीजें हैं अगर हम बचपन में ABCD पढ़ते हैं तो उसका भी यूज हमें कहीं ना कहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं क्या पूरे होल लाइफ में हमें यूज मिलता है। तो यहाँ हमारी इस ऑर्गेनिक में भी हमारे अल्फाबेट्स का जो अल्फाबेट्स जो है यहाँ यूज हो रहे हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। जिसका नाम अल्फाबेट में पहले आएगा उसको नॉमनक्लेचर में पहले लिखेंगे। तो क्लोरीन और ब्रोमीन है तो कौन सा लेटर पहले आएगा, ABC, तो बी से ब्रोमीन, सी से क्लोरीन, तो बी पहले आया। तो IUPAC नॉमनक्लेचर में हम पहले ब्रोमीन को यहां पर लिखेंगे। आइए देखते कैसे, 3-bromo-2-chloro-6 है हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, 3-bromo-2-chloro-hexane, इज इट क्लियर क्लास। आइए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हर एग्जाम्पल अपने आप में आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। इसको मैं रब कर रही हूं और यहां पे मुझे इस चेन की जरूरत है, बस मैं थोड़ा सा इसमें आप ही मेरे साथ करते रहिए तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये करने पे समझ में आता है। ठीक है, अब देखिए हमने किया, हमने यहां से ग्रुप हटाया और हमने यहां HCl यहां लगा दिया और HCl यहां। इस बारी एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है तो हेलोजन दो लेकिन सेम ही है, यानी क्लोरीन ही अटैच है। इस केस में आप नॉमनक्लेचर कैसे करेंगे। अब नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग में तो आपको डाउट नहीं होगा, नंबरिंग तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपने इधर से चलना है, क्यों, क्योंकि इधर से आपका फंक्शन ग्रुप आपको नजदीक पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपने नंबरिंग कर दी। अब क्लोरीन है दो बार,
तो जब एक ही आइटम दो बार हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई, ठीक है। और जिस जिस कार्बन पे अटैच हो उसके न्यूमेरिक को लिखते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहले तो टू पे अटैच है, टू, ठीक है, और उसके बाद थ्री पे, तो कॉमा देंगे आप और लिखेंगे थ्री, टू कॉमा थ्री, और चूंकि दो बार है इसलिए डैश करके आप लिखेंगे डाई। कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? क्लोरीन, तो आप लिखेंगे क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है? छह की चेन है। हेक्स सिंगल बॉन्ड है इसलिए आपने लगा दिया ए। तो टू थ्री डाई क्लोरो हेक्सेन। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर एक ही ग्रुप दो बार है, अलग अलग कार्बन पे है, तो दोनों अलग 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 कार्बन के न्यूमेरिक को आप मेंशन करोगे और फिर आप डाई लगा करके नॉमेनक्लेचर को पूरा करोगे। इज इट क्लियर? अब आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने क्या किया, यहां पे हमने एक ग्रुप लगाया सॉरी। अब आप देख रहे हैं आपको स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, एक तरफ तो क्लोरीन है और दूसरी तरफ आपका एल्किल ग्रुप अटैच है। एल्किल ग्रुप में वो भी कौन सा ग्रुप? मिथाइल ग्रुप। सेम फंडा यहां भी वही फॉलो करना है, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो जाहिर सी बात है कि यही वाला नंबरिंग होगा, यहां से आप स्टार्ट करेंगे। अब मैं पूरा कर देती हूँ 4 5 6। अब नॉमेनक्लेचर में अल्फाबेटिकल रूल फॉलो करेंगे क्योंकि हमें पता है एम बाद में आता है और सी हमारा पहले आता है, तो आप इसको लिखेंगे टू डैश टू क्लोरो डैश थ्री मिथाइल हेक्सेन। देखिए यहां पे मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं, हर एक एग्जाम्पल में आपको बहुत कुछ सीखना है और जब तक आप सीखेंगे नहीं वो चीज आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो बेहतर होगा कि, मेरे लिए तो नहीं पॉसिबल है कि मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको कराऊं, लेकिन हाँ जो एग्जाम्पल में आपको समझाना है उस तरह की एग्जाम्पल मैं यहाँ लेकर के आपको करा रही हूँ। तो कोशिश करिएगा कि आप और भी एग्जाम्पल करें, जितने एग्जाम्पल आप करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये नॉमेनक्लेचर कर लिया। अब कुछ और नई चीजें मैं आपको बता दूं, इसे मैं रब कर रही हूं। आई होप कि आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं और क्या इसका बेसिक है, तो थोड़ा सा मैं आपको समरी दे देती हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना हो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर करिए, और लॉन्गेस्ट चेन में अगर कहीं ब्रांचेस हैं और वहां कार्बन के नंबर ज्यादा हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ये आप देख लो, अगर ये हमने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रही हूँ कार्बन के साथ क्योंकि जो आपको कॉन्सेप्ट देना है बस वो आप समझ जाइए। अगर आप स्ट्रेट चलते हैं तो 3 6 7 कितने कार्बन की चेन मिलती है? 7, ठीक है। अगर आप यहां से यहां चलते हैं तो आपको कितने कार्बन की चेन मिलती है? 7, लेकिन आप नीचे देख रहे हैं कि 3 कार्बन और लगे हैं, तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे ऐसे, इस कार्बन से अगर इधर चलेंगे तो आपको सिर्फ 6 कार्बन मिल रहे हैं, यानी ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं हुआ। हमेशा आपको कौन सा चेन लेना होगा? जो लॉन्गेस्ट हो, और कोशिश यही रहेगी कि वो स्ट्रेट भी हो। अगर स्ट्रेट में और अगर इसके जो ब्रांचेस में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो आप स्ट्रेट को कंसीडर करोगे, लेकिन अगर वही यहां पर हमने 2 कार्बन के जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर दी
तो जब आप चलेंगे यहाँ से तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तब आपको 8 कार्बन मिल रहा है, तो तब आप इसे फॉलो करेंगे। यानी हमारी प्रायोरिटी है लॉन्गेस्ट चेन को चुनना, और लॉन्गेस्ट चेन में जरूरी है कि कार्बन के एटम जो है ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर सके। तो ये कुछ रूल्स हैं कि लॉन्गेस्ट चेन को कैसे आप कंसीडर करते हैं, कैसे आप उसको देखते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको ये आ जाएगा। उसके बाद आप लॉन्गेस्ट चेन के बाद जो आपके ग्रुप बच गए वो आप सब्स्टिट्यूएंट में कंसीडर करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट मतलब आप उसको ग्रुप में कंसीडर करेंगे, उसको फिर इथाइल ले लिया, मिथाइल ले लिया, ब्यूटिल ले लिया, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम का होगा उतने नंबर आप उसमें कंसीडर कर लेंगे। और उसके बाद अगर कोई हैलोजन अटैच है, क्योंकि हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं तो हैलोजन अटैच होगा ही, और कोई हैलोजन अटैच है तो आप उसको फिर अल्फाबेट के ऑर्डर से लिख करके नॉमेनक्लेचर को पूरा करेंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हेलो एल्केन्स के समझ में आ गए होंगे। अब आइए आपको मैं एक इसी का दूसरा टॉपिक समझाती हूँ, क्लासिफिकेशन। हेलो एल्केन्स का आप क्लासिफिकेशन कैसे करें, आइए देखते हैं। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन में हमें क्या क्या देखना है, हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ये चेक करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए ये हमारा कार्बन है और इसके साथ एक एल्किल ग्रुप अटैच है, एक आपका हैलोजन अटैच है, बाकी वैलेंसीज का कवर कर रहा है हाइड्रोजन। यानी अगर कार्बन के साथ आप किसी एक को बेस बना लीजिए, या तो आप हाइड्रोजन को बेस बना लीजिए या तो आप एल्किल ग्रुप को बेस बना लीजिए। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया है, उससे ज्यादा सुविधा होती है समझने में, हम ज्यादा इजीली उसको समझ जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अगर कार्बन के पास दो हाइड्रोजन एटम है, अगर कार्बन से डायरेक्टली दो हाइड्रोजन एटम अटैच है तो आपका कैसा होगा, प्राइमरी होगा। कैसा हेलो एल्केन होगा या कैसा एल्किल हैलाइड होगा वो ध्यान रखिएगा, वो हमेशा प्राइमरी होगा। ठीक है, क्योंकि वहां कार्बन के साथ कितने अटैच है, दो हाइड्रोजन एटम अटैच है। एक एग्जाम्पल भी ले लीजिए, एग्जाम्पल में CH3, CH2 और X की जगह हमने Cl ले लिया। तो यहाँ जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है ये आपको देखना है। तो उस हाइड्रोजन से कितने एटम अटैच है, दो एटम अटैच है, इट मींस ये आपका कैसा है, प्राइमरी है। अब आइए सेकेंडरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एल्किल ग्रुप इंक्रीज किया, डैश से हमने दिखाया है कि मे बी सेम मे बी डिफरेंट, और एक हाइड्रोजन एटम है और एक आपका हैलोजन है। तो यहाँ जिससे कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस पे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में आप क्या करिए, क्लासिफाई करिए। तो बिना कंफ्यूज हुए आप उस कार्बन पर फोकस करो जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है और उसके पास कितने हाइड्रोजन है, उससे आप आइडेंटिफाई करो कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो ये आपका हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी का भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, CL। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी, ये हो गया हमारा प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया। एंड द लास्ट वन इज टर्शरी। टर्शरी के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, इट मींस अगर इसका एग्जांपल मैं बनाऊं तो CH3, 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 Cl। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, मे बी सेम मे बी डिफरेंट, डिपेंड करता है ये। तो क्लास आज हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा हेलो एल्केन्स का और साथ ही साथ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ा। आई होप कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, और इसमें बहुत कुछ है, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।